इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? बैठाएंगे कहाँ? खाना। अच्छा, और कहाँ से ला रहे हो? घर से लाएंगे, वाड़े में से। इनको नहलाते कब हो? गर्मी में नहाए मुंडा है जो बाहर ना, इनके बाहर ना मुंडा है। अच्छा, तो अभी नहीं नहलाओगे कभी? ना अब जा रहे हैं ना काटे मारने। आप लोग आपकी हैं ये सब? कुछ बताओ मुझे फिर, कितने हैं ये, कितने होंगे ये? ये कम से कम होंगे 800-900 भेड़ होंगे। 800-900 गाय साजी, ये ब्याती है, बच्चा देती है, ठीक है जी। इसका खाद पात भी बिकता है, ठीक है ना, गोबर और दूध बेचता, ठीक है ना। और नहीं सर, मेहनत क्या क्या है? मेहनत चरा के लान, घुमा के लानी पड़े जंगल में, पत्ते खाती है जंगल में, घास फूस खाती है। पर आने में तो अब जंगल कम हो रहे हैं, तो जंगल कम है। जैसे जंगल कम हो जाए तो थोड़ी कम भी कर दें, बेच भी दें थोड़े बहुत। लोग क्या करते हैं इसको खरीद के? कट्टी होती है जिनकी। अच्छा, कट्टी बकरा के हुआ मजा है। कितने साल जीते हैं? सीधी कितने साल जीते? कम भी 10 साल जीती है जी एक भेड़। एक भेड़ तो तुम्हें पता चल जाता कौन सी बूढ़ी है कौन सी दस? कौन सी ये बूढ़ी है, खड़ी है जो। अच्छा, ये कैसे पता चला? दांत नहीं है, दांत दांत टूट जाते हैं जी जो बूढ़ी होती है ना। हाँ। दांत खत्म हो जाते हैं। और कितने आदमी लग जाते हैं इसमें? इसमें लग जाते हैं ये 6-7 आदमी। 4 लेबर है जी, अलग अलग 4 टोल है मतलब। एक टोल पे 3 बंदे जाते हैं, 8-9 बंदे रहते हैं इनके सबन। तो कब से कर रहे हैं ये सब आप काम? ये जिंदगी से कर रहे हैं जी। दूध निकाल रहे हो एक बार? इसमें पता कैसे चलता है कौन सी भेड़ प्रेग्नेंट है, कौन दूध देगी कौन नहीं देगी? पता आज जब 24 घंटा रहते हैं दिन रात तो पता चल जाती है। ये सारी एक जैसी नहीं लग रही? नहीं, हमें नहीं लग रही, आपको लग रही होंगी। हमारे पहले बड़े बूढ़े करते थे, हमारे पिताजी करते थे, अब हम करते हैं। और आगे कौन करेगा? आगे अच्छा नहीं जाता है। क्यों? लॉकडाउन में पढ़ता नहीं, उससे पहले भी पहले नहीं जाता था। इसे इसी काम में लगेगा तो फिर पड़ेगा? हैं, इसमें राजी रहता तो पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ता नहीं है। ये क्या जला रहे हैं? उपले। अच्छा उपले। अच्छा उपले। तो अगर ये पड़ेगा नहीं तो फिर इसी में लगे रहेगा? इसमें ही लगा। तो गिनती विनती कर लेता है ये? गिनती में नहीं आती इसमें। तो फिर कैसे गिनेगा कितनी भेड़ है? गुणा भाग कर लेता है पैसों का? कुछ नहीं होता है। स्कूल ही नहीं देखा तो क्या करें? क्यों क्यों नहीं भेजते? यही है ना स्कूल, तो बहुत है प्राइवेट प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, पर ज्यादा ही नहीं है। कितनी कमाई हो जाती है इनमें? एक साल में 1 लाख भी कम जाता है, 1000 भी, 1 लाख तो ऊपर भी है। कितनी भेड़ों पे? कितनी भेड़ों पे 1 लाख? कम से कम 100 भेड़ पे। अच्छा, कम है काफी है ज्यादा है ना? इतना तो होनी चाहिए, तो हो ही जा जी। सही है। और बच्चों को अलग ले जाते हैं? बड़ा साथ में जावे जी, बड़ा बच्चा, बड़ा इतना बड़ा साथ। अभी बकरी का दूध है, प्लेट कम हो जाती है जब भी काम आता है, डॉक्टर बताते हैं। अच्छा, ये कितने में बिकती है मतलब ये इसकी ऊन? ऊन ना बिके जी, लक्की मारी बेटी, लक्की मारी यार। अच्छा, तो आप क्या करते हैं फिर इसके जब बाल काटते हैं? जब नाम इनके वो स्वेटर नहीं होते थे वो बनते थे, अब नहीं बनते, मार्केट पूरी खत्म होगी। ऐसा क्यों? अब लेदर चलेगी ना, लेदर की अब जाके टाल लगी, पहले स्वेटर होते थे। तब तो अच्छी कमाई होती होगी। बच्चा बिच जाता है इतना बड़ा बस। और कुछ नहीं, दूध बिच जाता है। बूढ़ी का क्या करोगे फिर? बूढ़ी को कोई मर जाती है तो दबा देते हैं, गड्ढा खोद के। नहीं, अगर ये सब बीमार हो जाती है कैसे पता चलता है कौन सी बीमार है? पता चल जाती है जी, जैसे जंगल में चारा चरती नहीं है, खड़ी हो जाती है, पत्ते अत्ते नहीं खाती जंगल में, खड़ी हो जाती है, समझो बीमार है। अच्छा, तो फिर उसको क्या करते हो? हम टीको मारते हैं। कहाँ से? स्टोर पे तलाते हैं। अच्छा, खुद ही? हाँ, टेरामाइसिन का, खुद ही डॉक्टर है हम इनके। अच्छा, कौन सी दवा का? टेरामाइसिन। अच्छा, इंजेक्शन? इंजेक्शन मार देते हैं। कहाँ पे मारते हो? गर्दन पे मार दे, नार पे, पीछे मार देते हैं, पेट पे। अच्छा, ठीक हो जाती हैं? जैसे कीड़े पड़ जाते हैं पेट में तो एक दवाई आती है, उसे लस्सी में मिला के सब कीड़ा खत्म।
मर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अच्छा चलो, तुम आदमी को इलाज करे, हम बिल्डर को इलाज करे। कैमरा है, हाँ। ये निशान क्यों है? ये निशान इसलिए है जी, ये मेरी है। हाँ। और पे निशान नहीं है। ऐसे जिस पे निशान नहीं है वो किसी और की है। निशान किससे बनाया है? ये तो रंग आता जी। अच्छा, दुकान पे से? हाँ। छूटेगा नहीं? नहीं छूटेगा ना। जंगल जैसे गाजर मूरी के खेत है जी, उनमें चरती है फिलहाल। तो फिर उसके मालिक कुछ नहीं कहता? नहीं कहता, खाली खेतों में चराते हैं। चोरी, आपकी कभी भेड़ चोरी हुई है? फिर क्या करा? मिली नहीं। पुलिस कंप्लेन होती है? होती है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा? पुलिस ने ना ढूंढी, पुलिस ने नहीं चला। और कुत्ते क्यों मारेंगे इसको? कुत्ते मार देते हैं, मांस खाने वाले। अच्छा, रोड वोड में लेके जाते हो, अगर मर वर गई तो फिर क्या होगा? जैसे रोड में लेके जाते हो ना, मेन रोड में, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? कीमत लेते हैं उसपे से। अच्छा, भेड़ की गलती नहीं होती? जल जाएगा भेड़। हाँ, गलती जैसे अपनी होती है, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बेगलती मारेगा तो दे आओ पापा। अच्छा, वो यार लड़की पशु बेचारी ये कहाँ जानते, क्योंकि इन्हें पालने के लिए तो आपको अपनी जमीन भी लगेगी ना शायद, ना अपनी भी आएगी है। अच्छा, कितनी? 150-200। अच्छा, उसमें उतने में कहाँ पलेंगी ये? ये भी एक भेड़ कितने बच्चा देती है? एक बच्चा देती है। बस दे रहे। कितने कितने दिन में देती है? 6 महीना में। साल में 2 बार भी आ जाती है। 2 भी दे रहे, 3 भी। और कितने साल से देना चालू कर देती है? 1 साल के होते ही ना, फिर ब्याने चालू। 1.5 साल की होती है। कौन सी? वो अभी भी आई है, ताजा, 1-2 घंटे में भी आई। अच्छा, वो वाली घुस मारेगी तो नहीं है? नहीं नहीं, अभी अभी पैदा हुआ है ना। इसकी ओनार है? हाँ। फिर क्या करेगा ओनार? ये अपने आप गिर जाएगी, चाट रही है देखो। डॉक्टर साहब आता है इसमें है? डॉक्टर साहब कितने देर में चलने लगेगा? ये आधे घंटा में उठ जाएगा, खड़ा हो अभी जाएगा। पैदा होगा ना, अभी चाट लेगी ना इसको, जब अपना आप हो जाएगा, चाट के पहचान कर देगी। चाहे कितने में जाएगा? कौन सा? ये वाला। ये जाएगा जैसे 1500 रुपये का, 2000 का। और 3000 में कौन सा जाएगा? बड़ा जाएगा वो, खड़ा जो। अच्छा, और मैक्स सबसे महंगा उतना जा सकता है? जो बड़ा होगा वो 3500-3000। और अच्छी नस्ल कौन सी, कैसे पता चलेगा भेड़ की नस्ल? तो एक ही होती है जी ये। अच्छा, कुछ इन कश्मीर में जैसे कोई नस्ल का कुछ फर्क नहीं होता? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही नस्ल होती है। क्या है इसका? कुछ देसी नस्ल है। अच्छा, सब देसी है? एक भेड़ ऐसी होती है जिसके सींग भी होते हैं, वे हमारे यहाँ पे नहीं है। वो अच्छी होती है? कश्मीर साइड मिलते हैं। अच्छी होती है, खराब होती है? बेकार होती है, छोटी घनी। अच्छा, people believe that sheep milk is good for your bones and it is very helpful during the recovery of a bony injury. I also tried sheep milk and it was very thick and I found it very heavy. I immediately slept off after drinking it. I found these people very helpful and being nice to me. They answered all my irritating and nagging questions and they had a good patience and tolerance. So iska bhi wo bante hain jaise uple bane? Haan? बन जाएंगे? अच्छा, बिकता है ये बिकता है, बिकता भी है। कहाँ बिकेगा? गांव वाले ले जाते कोई? हाँ, कोई ले जाता, हम ले जाता, कोई ज्यादा कितना तो देर में दे दिया। इसको क्या करोगे खाद का? कंडा बनाएंगे। अच्छा, तो इतनी सारी पड़ी तो है, गीले से बनती है। अच्छा, इसे पानी डाल के नहीं कर सकते? पानी डाल कर हो सकता है।